सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करेंगे वीवो के Y51 को लेकर। बेसिकली दोस्तों ये जो वीवो का मॉडल है, मैं ये समझता हूँ कि वीवो S1 के कंपैरिजन में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आज हम इस मॉडल का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यहाँ पर दोस्तों डिवाइस को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो डिवाइस है ये पाकिस्तान में बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है और इसकी जो प्राइस है 35,000 रुपये है पाकिस्तानी मार्केट में। यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की 4GB रैम है, 128GB मेमोरी है। सबसे यूनिक बात दोस्तों इस स्मार्टफोन की ये है कि यहाँ पर हमें लोको डिज़ाइन जो है वो वीवो S1 Pro जैसा देखने को मिल जाता है और काफ़ी स्नीक एंड स्टाइलिश यहाँ पर हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और बेसिकली इसमें भी दो वेरिएंट हमें देखने को मिल जाएंगे, एक वाइट और एक ब्लू। तो यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की सबसे खास बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पर इस डिवाइस में हमें जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि वीवो S1 में देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की वजह से यहाँ पर जो डिस्प्ले हमें दिया गया है, जो स्क्रीन दी गई है, वो हमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हमें पिक्सल रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा वीवो S1 से थोड़ा अपग्रेड भी किया गया है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वीवो S1 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर मेन चीज़ स्मार्टफोन की ये है कि आपको वीवो S1 में जो था 16 MP का बैक कैमरा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 48 MP का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर आपको 16 MP का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वीवो S1 में जो है आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो है आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिली है, प्लस फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है। तो S1 में भी फास्ट चार्जिंग था और इस स्मार्टफोन में भी आपको जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस के चिपसेट को लेकर बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वीवो S1 में चिपसेट है हीलियो P65, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चिपसेट हमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। आपको स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 2 GHz ऑक्टाकोर के साथ फिट किया गया है। स्मार्टफोन बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि वीवो S1 में इस टाइम पर एंड्रॉयड 9 जो है वो रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन में जो है आपको एंड्रॉयड 10 जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो डिवाइस है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत जल्द जो है लॉन्च होने को जा रहा है। इस डिवाइस के काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा लुक और डिज़ाइन है, और वीवो S1 के कंपैरिजन में ये डिवाइस आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग मॉडल होगा, क्योंकि वीवो S1 वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है वीवो का जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। और ये मॉडल एक साल से पाकिस्तानी मार्केट में चल रहा है और अभी तक जो है कंपनी इस स्मार्टफोन को जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, जबकि बाकी स्मार्टफोन्स जो हैं 3 महीने जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये वायदा से स्मार्टफोन है जो कि 1 साल के बाद अभी तक जो है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इसके कंपैरिजन में जाहिर है वीवो ने कोई डिवाइस जो है लॉन्च की है तो मैं ये समझता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस होने वाली है वीवो की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग लाएगी। और वीवो S1 की सबसे खास बात ये थी कि वहाँ पर हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता था, जिसकी वजह से लोग उस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। इस स्मार्टफोन में भी हमें जो है वही डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो उस डिस्प्ले की वजह से दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा और सेलिंग होगा और लोग जो है इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा आपने जो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आई आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।